हेलो फ्रेंड। तो काफी सारे लोग वीगो शॉर्ट ऐप पर अकाउंट क्रिएट करके अकाउंट बना के वीडियोस अपलोड करके हजारों लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसको देखते आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा कमेंट किया हुआ था कि भाई हम लोग भी वीगो शॉर्ट ऐप पर अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, अकाउंट कैसे बनाएंगे, उस पर वीडियोस कैसे अपलोड करेंगे और हमारा अर्निंग कैसे होगा और हम लोग उससे कितना कमा सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों ने ये भी कमेंट किया हुआ था कि ये भाई जो वीगो शॉर्ट एप्लीकेशन आया था, जो एक चाइनीज एप्लीकेशन था, जो ओल्ड वाला, जैसे कि आपको पता 2020 में जो बंद हुआ था, जिसका वीगो वीडियो नाम था और उसमें हम लोग काफी सारे वीडियोस बनाते थे और वहां पे अच्छे खासे फ्लेम भी कमाते, तो उसी तरीके से फ्लेम है। तो आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा कमेंट किया हुआ था कि यार भाई ये जो एप्लीकेशन है ये ओल्ड वाला या ही न्यू है। तो आज के वीडियो में आप लोगों का ये भी डाउट क्लियर करूंगा कि ये जो एप्लीकेशन आया हुआ है वीगो शॉर्ट, ये वीगो वीडियो है या वीगो शॉर्ट है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक किया तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए और पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को शॉर्ट वीडियो ऐप अर्निंग से रिलेटेड काफी चैनल जनरेस्ट वीडियो देखने को मिलता रहते हैं। तो चलिए देर न करके वीडियोस को स्टार्ट कर लेते हैं। आज के मोबाइल के स्क्रीन पे अभी तक आप लोगों ने वीगो शॉर्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वीगो शॉर्ट ऐप का डाउनलोड लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग वीगो शॉर्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। पर अगर आप लोग चाहते हो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना तो सिंपली क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद आप लोग देखोगे तो ऊपर की तरफ में आप लोगों को सर्च बार का आइकन नजर आएगा, सिंपली आपको सर्च वाला आइकन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे लोग सर्च वाले आइकन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोगों को टैप लेना होगा वीगो शॉर्ट। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वीगो शॉर्ट लिख के सर्च कर देता हूँ। जैसे लोग वीगो शॉर्ट लिख के सर्च करेंगे, अब यहाँ पे ये थोड़ा देर मेरा नेटवर्क इशू है, इसके लिए थोड़ा लेट हो रहा है, तो आप लोग इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेना। अब यहाँ पर देखिए तो हमारा सामने जो है वीगो शॉर्ट ऐप आ चुका है और वीगो शॉर्ट लोगों का जो है कुछ इस तरीके का देखने को मिला है, सेम आप लोगों को वीगो वीडियो की तरह देखने को मिल रहा होगा। साथ ही इसका नाम भी आप लोग देख सकते हो, लिखा गया है वीगो शॉर्ट फनी शॉर्ट वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा, या आप लोग प्ले स्टोर से भी आकर डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद हमें सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है और बैक आने के बाद सिंपली क्या करना है कि अब आपको अपने मोबाइल फोन में वीगो शॉर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद सबसे पहले तो वीगो शॉर्ट ऐप का वीडियो का वॉइस थोड़ा कम कर देता हूँ, जिससे कि हमारी आवाज आप लोगों को क्लियर और साफ सुनाई देगा। अब देखेंगे तो आप लोगों को पूरा का पूरा सेम जो है वीगो शॉर्ट एप्लीकेशन के तरह ही अकाउंट देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो भी इंटरफेस है देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर आप लोगों को यहाँ पे अपना खुद का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो आपको अपना खुद का अकाउंट क्रिएट करने के लिए ऊपर देखेंगे तो आप लोग को रजिस्टर लॉग इन का ऑप्शन नजर आएगा, सिंपली आपको रजिस्टर लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सो जैसे लोग रजिस्टर लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप सबके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सेम देख सकते हो कि जिस तरीके से हम लोग वीगो वीडियो में अपना अकाउंट क्रिएट करते थे, उसी तरीके से हम लोग वीगो शॉर्ट ऐप पर भी अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो आप लोग का ये भी डाउट क्लियर करूंगा कि ये पुराना वाला ही एप्लीकेशन है या न्यू एप्लीकेशन है, वो भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो में बने रहना। सबसे पहले आप लोग देखोगे तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए कई सारे आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों का गूगल हो गया, यहाँ पे फेसबुक हो गया, फोन नंबर हो गया, मैसेज हो गया और यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो गया। तो यहाँ पे कई तरीके से जो आप लोग यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। पर मैं आप लोग बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले जो आप लोग अकाउंट क्रिएट करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो आप लोगों का फोन नंबर। फोन नंबर से अगर आप लोग अकाउंट क्रिएट करते हो तो आप लोगों को कोई भी दिक्कतें नहीं आती है। तो उसके लिए आप लोग करना क्या होगा, सिंपली आपको फोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सो जैसे लोग इस पर क्लिक करोगे अब यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को बोला जाएगा साइन अप लॉग इन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब सिंपली आप लोग करना क्या होगा कि यहाँ पे आप लोगों को अपना फोन नंबर को टाइप करना होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना फोन नंबर को टाइप कर लेता हूँ। सो फाइनली मैंने यहाँ पे अपना फोन नंबर को दर्ज कर दिया। अब देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक नेक्स्ट का ऑप्शन नजर आएगा, सिंपल आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सो जैसे लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, क्लिक करेंगे अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आएंगे तो इस तरीके से आप लोग को अपना ओटीपी फिल करना होगा। तो चलिए जब तक हमारे नंबर पर ओटीपी आता है तब तक हम लोग यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा जो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे ओटीपी फिल हो चुका है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे फोन नंबर से अपने अकाउंट को क्रिएट करने में थोड़ा सा यहाँ पे इशू आ रहा है कि ओटीपी जो है बहुत ही ज्यादा लेट आ रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा होगा, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिला या नहीं नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। अब चलिए नीचे देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे जो है एक मी का ऑप्शन नजर आएगा, सिंपल आपको मी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब जैसे लोग मी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप आ जाओगे अपने प्रोफाइल पे। सबसे पहले आप लोग देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो है सेम आप लोगों को वीगो वीडियो की तरह ही इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोग देखो तो आप लोगों को लेवल देखने को मिलेगा, प्रोफाइल देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोफाइल एडिट करने के लिए बता देता हूँ। तो उसके लिए आप लोग करना क्या, ऊपर देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक एरो देखने को मिलेगा, सिंपली आपको इस एरो पे क्लिक करना होगा।
सो जैसे लोग इस एरो पे क्लिक करोगे अब यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को एक एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन नजर आएगा। सिंपल आपको एडिट प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सो जैसे लोग एडिट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे सबसे पहले आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा अपलोड अवतार। तो सिंपल आपको अपलोड अवतार पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे कुछ आप लोगों से परमिशन मांगेगा तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको अलाउ करना होगा अगर आप इस प्लेटफॉर्म को चलाना चाहते हो। उसके बाद देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे गैलरी, गैलरी पे हम लोग क्लिक करेंगे और जैसे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे अब देखेंगे तो आप लोग सामने आपका फोन का जो है सिंपली रूप से यहाँ पे गैलरी आप लोग का ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या करना है कि आप लोगों को एक जो है यहाँ पे फोटो सेलेक्ट करना होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं कोई भी एक फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद ऊपर देखेंगे तो आपको क्रॉप का ऑप्शन नजर आएगा। सिंपली आपको क्रॉप वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे लोग क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप सब देख सकते हो कि यहाँ पर जो है हमारा प्रोफाइल फोटो लग के आ चुका है। दूसरे नंबर में यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को बोला जाएगा निक नेम, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके इसको आप लोग चेंज वगैरह भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राजू कुमार, यहाँ पर लिख देता हूँ राजू कुमार लिख, इस तरीके से आप लोग भी लिख सकते हो। साथ ही उसके बाद देखेंगे तो आप लोगों से बोला जाएगा वीगो आई डी, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो क्लिक नहीं होगा और सिंपली इसको आप कॉपी कर सकते हो। नीचे देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा नाम, अगर आप लोग यहाँ पे अपना नाम लिखना चाहते हो जैसे कि मैं आपका जो भी नाम है तो आप अपने अकाउंट का जो नाम लिखना चाहते हो यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो। साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो नीचे तरह में आप लोगों को जेंडर सेलेक्ट करने को मिलेगा जिसमें कि आप लोग अगर मेल हो तो मेल पर क्लिक करेंगे, अगर आप लोग फीमेल हो तो फीमेल पर क्लिक करेंगे, यानी कि अगर आप जेंट्स हो तो आप लोगों को मेल पर क्लिक करना है, अगर आप लोग फीमेल यानी लेडीज हो तो आप लोग को फीमेल पर क्लिक करना होगा। सो फाइनली मैं यहाँ पे मेल हूँ तो मैंने मेल को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखेंगे तो आप लोग को यहाँ पे फोन नंबर ऐड करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, अगर आप लोग फोन नंबर ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो या इसको छोड़ भी सकते हो। साथ ही यहाँ पर देखोगे तो आप लोग को यहाँ पे आप लोग को वायो देखने को मिलेगा, अगर आप अपने बारे में कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग टाइप कर सकते हो पूरे के पूरे 150 अंकों में। अब यहाँ पे जब आप लोग का यह पूरा काम कंप्लीट हो जाता है ऊपर देखेंगे तो आप लोग का सेव का ऑप्शन नजर आएगा। सिंपल आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा क्योंकि इस तरीके से आप अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो। साथ ही उसके बाद देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर जो है यहाँ देख सकते हो कि आप लोग को अपना लेवल देखने को मिलेगा। जैसे लोग लेवल पे क्लिक करोगे यहाँ पर देखोगे तो आप लोग यहाँ पर जो है अपना लेवल इंक्रीज कर सकते, देख सकते हो कि आप लोग को फर्स्ट लेवल कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को 100 डायमंड का यहाँ पे खर्चा करने पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को खर्चा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से बैक आ जाएंगे और बैक आने के बाद आप लोग देखोगे तो मैं आप लोग कई सारे जो है इसका बेनिफिट बता देता हूँ जिसमें कि आप लोग देखते थे बिगो वीडियो में आप लोग देखते थे जिसमें आप लोग किसी वीडियो को फेवरेट कर सकते हो। तो साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग को फ्लेम वॉलेट देखने को मिलेगा जिसमें हम लोग क्लिक करते हैं तो आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपका वॉलेट देखने को मिलेगा कि आप लोग का यहाँ पे कितना अर्निंग हो रहा है जो कि आप लोग यहाँ पे लाइव प्रूफ देख पाओगे। साथ ही हम लोग यहाँ से बैक आएंगे, बैक आने के बाद देखेंगे तो आप लोग का फ्लेम, जैसे कि आप लोगों को पता था कि पुराने बिगो वीडियो में हम लोग को फ्लेम अर्निंग करने को मिला था, जैसे वीडियो अपलोड करते तो कोई बंदा हमें फ्लेम सेंड कर रहा था, उसी तरीके से आपको फ्लेम देखने को मिलेगा। नीचे देखेंगे तो आपको गिफ्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे हम लोग गिफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को जितना भी गिफ्ट मिला हुआ है ये आप लोगों को यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। साथ ही आप नीचे देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा फीडबैक है, फीडबैक एंड हेल्प, तो इस पर क्लिक करके आप फीडबैक इनसे ले सकते हो, अगर आपको कोई दिक्कतें होती है तो उनके बारे में आप लोग यहाँ पे फीडबैक दे सकते हो। तो यहाँ तक ये आप लोगों का पूरा समझ में आ चुका होगा। ऊपर देखेंगे तो आप लोग को यहाँ पे एक मैसेज का लोगो नजर आएगा, सिंपल हम लोग मैसेज वाले लोगों पे क्लिक करेंगे तो आप अपने फ्रेंड को जो भी मैं बिगो शॉर्ट ऐप को यूज करता है उन्हें आप लोग मैसेज वगैरह कर सकते हो। साथ ही उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों के प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपके जो भी फोन नंबर से जैसे कि आपका जो फ्रेंड है अगर बिगो शॉर्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है, अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो इस पर क्लिक करके आप उनके अकाउंट को चेक कर पाओगे। तो ये भी कमाल का फीचर दिया गया है। पर यहीं पर अगर आप लोग नीचे देखो तो आप लोगों को यहाँ पे एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जैसे लोग नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग वो देख पाओगे कि किस बंदे ने आपके वीडियो को लाइक किया, किस बंदे ने आपको कमेंट किया, किस बंदे ने आपको शेयर किया है, तो आप लोग यहाँ पे पूरे चीज यहाँ पे मैनेज कर पाओगे। साथ ही ऊपर देखेंगे तो आप लोगों को कई सारे पोस्टर चलते हुए नजर आ जाते हैं जिसमें आप लोग देखने मिलेगा वीगो ऑन फ्लेम कमिंग सून। अब यहाँ पर जो है कमिंग सून में ये बहुत ही जल्द जो है अपग्रेड होगा जिसमें आप लोग देख सकते हो 1,00,000 रुपए का जो है इनकम कर सकते हो फ्लेम के जरिए, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया है पोस्ट वीडियोस मेक मनी। अब यहाँ पे आप लोग वीडियो पोस्ट करके भी अर्निंग कर सकते हो, तो ये काफी अच्छा फीचर है। पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये एप्लीकेशन फेक है या रियल, वो भी आपको जानने को मिलेगा, तो इस वीडियो में बने रहना। नीचे देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे जो एक फॉलो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे लोग फॉलो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप उनके वीडियो देख पाओगे जो आपको फॉलो कर रहे हैं, आप उनको फॉलो करें, उनके वीडियोज को आप लोग यहाँ पे देख पाओगे। साथ ही उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक होम का ऑप्शन नजर आएगा, जैसे लोग होम वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो है फॉर यू पेज पर जो भी वीडियोस है आप लोग यहाँ पर देख पाओगे।
साथ ही उसके बाद आप लोग नियर पे क्लिक करके आप यहाँ पे जो भी आपके नजदीकी के लोग हैं उनके वीडियोस को आप वॉच कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप लोग बांग्लादेश हो तो बांग्लादेश में कितने लोग वीडियोस बना रहे हैं उनका वीडियोस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को एक जो है यहाँ पे सर्च का आइकन नजर आता है। सिंपल हम लोग सर्च वाले आइकन पे क्लिक करते हैं और जैसे लोग सर्च वाले आइकन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है आप लोग किसी भी बंदे को सर्च करते हैं, पर ये फीचर अभी जो है इनेबल नहीं किया गया है। बहुत ही जल्द आप लोगों को ये फीचर देखने को मिल जाएगा। साथ ही पर देखोगे तो आप लोगों को कृष्णा जय का वीडियो देखने को मिला। यार लाइव प्रूफ आप देख सकते हो कि कृष्णा जय जो है पहले बीगो शॉर्ट पर था कि वो बीगो वीडियो पर जो है वो एक वेरीफाइड क्रिएटर थे यानी बीगो वीडियो का स्टार थे। तो आप लोगों को उनके बारे में तो जानकारी होगा ही अगर आप लोग बीगो एप्लीकेशन को यूज करते थे। तो फाइनली उनका भी यहाँ पे अकाउंट देखा गया, तो क्या वो फेक अकाउंट है या रियल अकाउंट है नीचे कमेंट करके जो बताना। ये पूरा का पूरा मैंने फीचर्स के बारे में आपको बता दिया, पर ऊपर देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे थ्री डॉट का आइकन नजर आएगा, थ्री डॉट वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। सो जैसे लोग थ्री डॉट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कई सारे आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो, कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, लोकेशन। पर यहाँ पे मेरे को कोई भी चीज सेलेक्ट नहीं करना है। अब यहाँ पे आप लोग ये पूरा जानकारी तो समझ हो चुके हैं, पर यहाँ पे अब ये जान लेते हैं कि आप लोग को यहाँ पे अपना वीडियो क्रिएट कैसे करना है। तो वीडियो क्रिएट करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को जो है यहाँ पे एक कैमरे का लोगो नजर आएगा। सिंपल आपको कैमरे वाले सिंबल पे क्लिक करना होगा। सो जैसे लोग कैमरे वाले सिंबल पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोग कुछ परमिशन मांगेगा जिसको आपको अलाउ करना होगा। सो जैसे करोगे आप देखोगे तो आप सबके सामने जो है बीगो शॉट ऐप का जो है आप लोगों का कैमरा ओपन होकर चलेगा। अब यहाँ पर देखोगे तो आप लोग कई सारे फीचर देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप लोग देखोगे तो आपको फ्लिप का ऑप्शन मिलेगा जिससे आप कैमरे को बैक या अप कर सकते हो या नहीं आगे कर सकते हो। साथ ही उसके बाद ब्यूटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, टाइमर देखने को मिलेगा, स्पीड देखने को मिलेगा एंड उसके बाद आप लोगों का फिल्टर देखने को मिलेगा। नीचे देखेंगे तो आप लोगों को स्टिकर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, साथ ही आपको म्यूजिक ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ से आप लोग म्यूजिक सेलेक्ट कर सकते हो। साथ ही उसके बाद आप लोगों को लाइब्रेरी देखने को मिलेगा जिसपे आप लोग क्लिक करके आप अपने गैलरी से वीडियो को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप पोस्ट कर सकते हो। तो ये सब आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जो बताना। और ये जो पूरा का पूरा जो फीचर था पूरा का पूरा सेम आप लोगों को बीगो वीडियो का इतना ही देखने को मिला होगा। अब यहाँ पे बात होती है कि यार ये पुराना वाला बीगो वीडियो है या ये न्यू है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो है शॉर्ट वीडियो ऐप है ये आप लोगों को न्यू है, यानी कि वो पुराना वाला जो था वो पूरा का पूरा इंडिया में बैन हो चुका है, जो कि आपको पता है। तो आप उसको भूल जाओ, यहाँ पे आप अपना न्यू अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे आप अपना वीडियो पोस्ट कर सकते हो। पर काफ़ी सारे लोगों का ये भी कमेंट था कि भाई ये रियल ऐप है या फेक ऐप है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप लोग अकाउंट क्रिएट करके भाई बिल्कुल ही पैसे नहीं कमा पाओगे कि ये बंद ये जो अभी ये एप्लीकेशन है ये बहुत ही ज़्यादा न्यू है और इस पर आप लोग को ज़्यादा अर्निंग नहीं होने वाला है। पर अगर आप लोग चाहते हो आगे आने वाले भविष्य में आप बीगो शॉर्ट ऐप से अच्छे खासे अर्निंग करने वाले तो आप इस पर अकाउंट क्रिएट करके अभी आप लोग चल सकते हो। पर मैं आपको बता दूं कि अभी आपको कोई भी अर्निंग नहीं होने वाला है, आगे चल के भले ही कमाओ पर अभी आप लोग बिल्कुल यहाँ से अर्निंग नहीं करने वाले हो। पर आपका इस एप्लीकेशन के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट में मैं जरूर बता रहा। और हाँ, वीगो शॉर्ट ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में आपको शॉर्ट वीडियो ऐप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को वीगो शॉर्ट और अर्निंग से रिलेटेड काफ़ी सारे नॉलेज एंड टेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए देने करके वीडियोस को समाप्त करते हैं।